नमस्ते, सत्यजीत किचन के आज के एपिसोड में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। अब आप जब भी मुंबई स्ट्रीट फूड की बात करते हैं, कढ़ाई पुलाव या तवा पुलाव ये ऐसी चीज़ें जिसे आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत मज़ेदार सी चीज़ होती है, घर पे भी खाने में उतना ही मज़ा आता है। तो आज बनाते हैं कढ़ाई पुलाव। शुरुआत करते हैं कढ़ाई पुलाव के लिए, और एज द नेम सजेस्ट मैंने यहाँ पे कढ़ाई लेके रखी है। उसके अंदर थोड़ा सा तेल और उसके साथ बटर, सब्जियाँ तो है और उसके साथ पुलाव है, इसलिए मैंने दो बड़े बोल या चार कप चावल इस्तेमाल किए हैं। अब ये एक्चुअली मैंने सुबह के चावल है जो इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ें मैं अगर एक दिन पहले के पके हुए चावल आप इस्तेमाल करें तो वो पुलाव ज़्यादा जायकेदार बनते हैं। पर खैर, आई विल नॉट लाई टू यू, बहुत बार ऐसे होते हैं कि जब घर पे हम बनाते हैं, हम ताज़े बनाते हैं और उसके साथ भी ये पुलाव बना सकते हैं। जब बटर और तेल गर्म हो जाए तब इसके अंदर आधा प्याज बारीक कटा हुआ, अब यहाँ पे जो मैं सब्जियाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है टमाटर, ग्रीन पीस, स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम। इसके अलावा अगर आपको कोई और सब्ज़ी इस्तेमाल करनी हो तो आप बेशक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कैबेज करना हो इस्तेमाल तो वो कर सकते हैं, गाजर कर सकते हैं, फ्रेंच बीन्स कर सकते हैं, पनीर के छोटे टुकड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में जो सब्ज़ी हो उसे यूज़ कीजिए। प्याज जब सॉफ्ट हो जाए, मुझे इसे ब्राउन नहीं करने, सॉफ्ट करने हैं, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा अनियन है जिसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट के लिया है, उसे इसके अंदर मिलाऊंगा, और उसके साथ आधा कैप्सिकम या एक छोटा कैप्सिकम इसके अंदर। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करके लीजिए। इसके साथ ही 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 कैप्सिकम, अनियन हमें पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं करने हैं, उसे कुक करना है लेकिन उसके अंदर जो एक छोटा क्रंच है उसे बरकरार रखना है। अदरक लहसुन की पेस्ट जब उसका कच्चापन चला जाए तो इसके अंदर मिलाएंगे हम टमाटर, 1 छोटा टमाटर बड़े पीसेस में काट के लिया है मैंने। इसके साथ ही 1/2 कप बॉइल्ड मटर, 1/2 कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न। कुछ मसाले, हल्दी थोड़ी सी, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा 1.5 चम्मच, और उसके साथ ही नमक, काफ़ी बार ऐसे होता है कि फ्रिज में एक छोटा सा आलू उबला हुआ रहता है, आप उसे भी इसके अंदर काट के मिला सकते हैं। इसके अंदर 1/2 कप केचप, 1/2 कप टमाटो प्यूरी इस्तेमाल करनी है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। मसाले और केचप में सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए मिलाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी सब्जी थोड़ी सूख रही है तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसके अंदर। सो 2 मिनट से ये सब्जी हमारी पक रही है। अब आई थिंक इसके अंदर हम चावल मिला सकते हैं। अगर आप घर में किसी पार्टी के लिए बनाने वाले हैं तो आप ये सब्जी बना के रख सकते हैं, सर्व करने से पहले इसे चावलों के साथ मिक्स कीजिए। हल्के हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। केचप और हल्का पानी मिलाने से यह हमारा जो पुलाव है वो बिल्कुल सूख नहीं जाता है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे
आप सब्जियों के साथ छोड़ दीजिए। टुवर्ड्स द एंड हम इसके अंदर थोड़ा और बटर ऐड कर लेंगे। गैस बंद कर देते हैं। बहुत सा ताज़ा धनिया और एक छोटा चम्मच नींबू का रस। और बनके तैयार है हमारा ये कढ़ाई पुलाव। वी कैन टेस्ट इट टू सी हाउ इट इज। बहुत बढ़िया है। पाव भाजी मसाले का स्पाइसीनेस है, लेमन जूस की खटास है, केचप मिलाया था उसकी मिठास है। ऑल इन ऑल इट्स अ परफेक्ट पुलाव। चलिए इसको सर्व करते हैं। लंच में, डिनर में, घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं किसी भी वक्त, ये बनाने के लिए परफेक्ट है। वैसे तो इसके ऊपर कोई खासा गार्निश की ज़रूरत नहीं है। एक लेमन इसके ऊपर। तो बनके तैयार है मेरा कढ़ाई पुलाव, जिसे मैंने सुबह जो चावल बना के रखे थे उसके साथ बनाया है। घर में जो तीन चार सब्जियां थी उसे डाल दी है और तैयार है एक फ्रेश रेसिपी। बहुत मज़ेदार है। प्लीज़ 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 अपने घर पे ज़रूर बनाइए। तो कैसे लगा आपको ये कढ़ाई पुलाव? सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर बनके तैयार हो गई रेसिपी। प्लीज़ अपने घर पे इसे ज़रूर बनाइए। आपको भी पसंद आएगा, घर वालों को भी पसंद आएगा। घर वाले खुश तो आप खुश, आप खुश हम खुश। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। अंटिल वी मीट अगेन, हैप्पी कुकिंग।